25 साल के लड़के से पंगा लेने की भूल कर बैठे सल्लू मियां, चंद घंटों में ही हो गया खेल। एल्विस की आंखों से निकले आंसुओं का हिसाब होगा। बिग बॉस के शो को माफ नहीं करेगा पूरा हिंदुस्तान। जिस एल्विस आदो ने पीट चुके बिग बॉस को लगाया चार चांद, जिसके घर में घुसते ही करोड़ों में खेलने लगे सल्लू सलमान, उस धाकड़ लड़के को खुले मंच, लाखों दर्शक और माँ के सामने किया बदनाम, अब पूरा देश देखेगा कमाल। खुले मंच से सलमान ने एल्विस की फैन फॉलोइंग पर उठाया सवाल। जिस लड़के ने अपनी मेहनत के दम पर कमाया नाम, माँ बाप को हमेशा दिया सम्मान, तो उसके खिलाफ क्या साजिश के तहत सलमान ने कह दी बहुत बड़ी बात। अब एल्विस के करोड़ों चाहने वाले इस वीडियो से दिखाएंगे बॉलीवुड की औकात, फैन फॉलोइंग क्या होती है। शेयर कर दिखा देंगे सलमान को 25 साल के यूट्यूबर की क्लास। कमेंट में लिख दो, एल्विस के सिर सजेगा बिग बॉस का ताज। जब से बिग बॉस के घर में एल्विस की एंट्री हुई है, तब से बाकी लोग धुआं धुआं हो गए हैं। बिग बॉस के घर में घुसकर बच्चा समझने वालों की खुलेआम क्लास लगा दी, तो हाथ जोड़ माफी मांगने लगे। एक यूट्यूबर को देख टीवी पर आने वाले छोटे मोटे कलाकार खुद को एल्विस के सामने तुर्रम खा समझ रहे थे, लेकिन एल्विस ने कुछ दिनों के अंदर ही अच्छे अच्छों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन जब बिग बॉस के घर में हरियाणा के धाकड़ लड़के के सामने किसी की ना चली, तो सलमान खान खुद एल्विस के खिलाफ साजिश पर उतर आए। कौन नहीं जानता कि बिग बॉस के घर में क्या होता है, पूरा देश जानता है बिग बॉस में रियलिटी शो के नाम पर क्या होता है। गालियां, अभद्र भाषा परोसने के आरोप बिग बॉस पर हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ बिना गलती के सलमान ने टारगेट किया तो हर किसी के होश उड़ गए। सलमान को अपनी फैन फॉलोइंग पर इतना घमंड कि सालों से दिन रात मेहनत कर अपने कंटेंट से करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाने वाले एल्विस के फैंस को नकली बताने लगे। सलमान 50 के हैं, लेकिन 25 साल के लड़के से भिड़ने लगे। सल्लू मियां भूल गए कि सामने कोई टीवी का छोटा मोटा कलाकार नहीं, जिसे बॉलीवुड में सलमान के साथ काम करने का शौक हो। सामने था वो धाकड़ लड़का, जिसे ना सलमान के साथ काम करने का शौक था, ना बॉलीवुड में नाम कमाने का शौक था। एल्विस सलमान की एक एक बात को सुनते रहे, भाईजान के हर बात का जवाब देते रहे। सलमान ने एल्विस की फैन फॉलोइंग को नकली बताया। अब एक यूट्यूबर पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन तभी सलमान ने एल्विस की मां को वीडियो कॉल कर दिया और अपनी मां को देखते ही एल्विस यादव की आंखों से आंसू नहीं रुके। दरअसल एल्विस ने एक शो के एक कंटेस्टेंट को बेबिका को अपशब्द कह दिया था। सलमान इस हरकत से काफी नाराज हो गए। उन्होंने एल्विस को पॉइंट करके कहा कि आपके भले ही कितने फॉलोवर क्यों ना हो, लेकिन शो में गलत हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। सलमान ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने व्यूज कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। एल्विस यादव एक फेमस यूट्यूबर है, उनके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन से फॉलोअर है। एल्विस यादव गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के रहने वाले हैं। एल्विस की सिर्फ 25 साल की उम्र है। एल्विस अपने चैनल पर बिग बॉस और सलमान को भी रोस्ट कर चुके हैं। बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले उन्होंने सलमान खान के रोस्ट हुए वीडियो पर अपने चैनल से हाइड कर दिया था। हालांकि बिग बॉस के खुले मंच से एल्विस को टारगेट कर सलमान खान ने जो किया, उसे हर कोई हैरान है। एल्विस के फैन ने ठान लिया कि एल्विस को बिग बॉस ओटीटी का सरदार बनाकर सबको सबक सिखाएंगे।